conversion of decimal to binary. The integer and the fraction parts of the decimal number are handled separately for finding the corresponding binary equivalent. तो यहाँ पे जो आपका decimal number है, अगर वो क्या है, float है, उसमें integer part भी होगा, fraction part भी होगा, right? तो वो दोनों integer part और fraction part को अलग अलग तरीके से handle किया जाएगा, अलग अलग तरीके से उसको convert किया जाएगा binary form में, fine? तो first हमारे पास क्या है, step to convert integer part. मान लो आपके पास integer part है या only integer number है, okay? तो आप उसको कैसे convert करोगे, by using the method repeated division. First divide the decimal number by 2, okay? Base value of the binary number system, right? तो अगर आपको decimal को binary में convert करना है, तो आप क्या करोगे, उसको repeatedly divide करोगे by 2, because 2 क्या है, binary का base number है, ओके, बेस वैल्यू है. तो यहाँ पे हमने वही सेम एग्जांपल लिया, आपने क्या, हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 5, उसको क्या किया है, मल्टीपल टाइम्स, मतलब उसको डिवाइड किया है, ओके. उसके बाद क्या करना है, राइट द कोशेंट ऑब्टेन इन द स्टेप 1 बिलो द नंबर. कोशेंट जो होता है, राइट, उसको हम बिलो द नंबर लिखते हैं, जैसे 2 2 4, तो यहाँ पे 2 क्या है, कोशेंट है, उसको बिलो द नंबर लिखा है, ठीक है. दिस बिकम्स द न्यू नंबर. अब ये क्या बन गया, कोशेंट जो आया हमारे पास वो नया नंबर बन गया. अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ओके. नाउ 2 1 2, अब यहाँ पे 1 क्या है, हमारा कोशेंट है, लाइक दिस. राइट द रिमाइंडर्स एट द राइट इन द कॉलम. अब रिमाइंडर्स को आप साइड में लिखते जाओ, राइट में, ठीक है, राइट कॉलम में. रिपीट स्टेप्स 1 2 3, यहाँ पे जो आपके 1 2 3 ये तीनों स्टेप्स हैं वो रिपीट करने हैं अंटिल अ जीरो इज ऑब्टेंड एज अ न्यू नंबर, या तो जो न्यू नंबर है वो एज अ जीरो आ जाए, ओके. डैट इज कोशेंट बिकम्स जीरो, जो आपका कोशेंट है वो जीरो हो जाए, ओके. राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर बॉटम टू टॉप इन विच दे आर कंप्यूटेड. और रिमाइंडर कैसे आपको लिखने हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके. तो कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि आपका क्वेश्चन जीरो ना हो जाए, फाइन, ओके. तो ये मैंने आपको एग्जांपल अभी समझाया भी था, 5 को आपने डिवाइड किया, आपके पास रिमाइंडर्स आ गए हैं 1 0 1, आप कहाँ से उसको कंप्यूट करोगे, फ्रॉम बॉटम, ओके, दिस 1 एंड देन 0 देन 1, ओके. नाउ अब हमने क्या किया, इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट किया या इंटीजर नंबर को कन्वर्ट किया. अगर मान लो आपके पास फ्लोट वैल्यू है, तो आप उस फ्लोट वैल्यू में फ्रैक्शन पार्ट को कैसे कंप्यूट करोगे, स्टेप्स टू कन्वर्ट फ्रैक्शन पार्ट, ओके. अब हमारे पास एक डेसिमल नंबर है जो क्या है, फ्लोट है, राइट. मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय 2. अगर आपके पास फ्लोट नंबर है या फ्लोट वैल्यू, मान लो मेरे पास है 25.2, राइट, तो ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 25.2. तो देखो 25 में तो आप क्या करोगे, रिपीटेड डिवीजन करोगे. रिपीटेड डिवीजन मतलब 25 को आप डिवाइड करते जाओगे 2 से अगेन एंड अगेन, जब तक कि कोशेंट क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता, ओके. क्योंकि 25 क्या है, इंटीजर पार्ट है, ओके. 25 क्या है, आपका इंटीजर पार्ट है, लेकिन 2 क्या है, आपका फ्रैक्शन पार्ट है. अब 2 को आप कैसे सॉल्व करोगे, अब 2 को हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय 2. 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करते जाओगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे मान लो यहाँ पे 25 होता, तो यहाँ पे 25 को आप कैसे सॉल्व करते, आप इसको मल्टीप्लाई करते जाते, इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, ओके. द प्रोडक्ट हैज एन इंटीजर पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट. अब यहाँ पे देखो, एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मेरे पास एक ये वैल्यू है, ओके, 0.625 को मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया. अब मेरे पास जो रिजल्ट आया, प्रोडक्ट आया, उसमें एक क्या है, इंटीजर पार्ट है, एक फ्रैक्शन पार्ट है. तो जो इंटीजर पार्ट है उसको मैं अलग रखती जाऊंगी, यहाँ पे 1 को ले लिया मैंने, ठीक है, ओके. राइट द इंटीजर पार्ट इन अ कॉलम, एक इंटीजर पार्ट को अलग कॉलम में लिख लिया. द फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स द न्यू फ्रैक्शन. अब जो फ्रैक्शन पार्ट आया 0.25, वो क्या बन गया, न्यू फ्रैक्शन बन गई, जिसको किससे मल्टीप्लाई होना है, 2 से, ओके. 0.2 जो आपका आया 250 इंटू 2, अगेन आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अब आपके पास क्या है, 0.500. तो जो आपका 0 है वो क्या है, इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट को आपने अलग रख दिया. फिर आपने 0.500 को फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर आपका आ गया 1.000, ओके. तो यहाँ पे 1 क्या है, आपका इंटीजर पार्ट है, ओके. अब यहाँ पे देखो, अब जो यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था 0.625, डेसिमल नंबर था, डेसिमल नंबर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में. और उसके बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे देखो. अब इस केस में कैसे काउंट करोगे, आप इस केस में काउंट करोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके. जब आप क्या कर रहे हो, फ्रैक्शन पार्ट को ले रहे हो, और आप यहाँ पे क्या करना है, आपको रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन करना है विद द बेस वैल्यू, और आप कैसे इसको काउंट करोगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 101, राइट.
रिपीट स्टेप 1, 2, 3 अंटिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स जीरो। और ये स्टेप्स कब तक आपको फॉलो करने हैं तीनों, जब तक कि जो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन, अब देखो फ्रैक्शन पार्ट इसमें 0, 0, 0 आ गया, फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स द जीरो और द डिजायर्ड नंबर ऑफ द बाइनरी प्लेसेस आर ऑब्टेंड, या फिर आप जितने बाइनरी प्लेसेस चाहते हैं, जितना आप फ्रैक्शन पार्ट चाहते हैं उतना आपको मिल गया है। ठीक है, राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू फॉर्म द रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। और यहाँ पे जो आप इंटीजर पार्ट देखोगे वो टॉप टू बॉटम देखोगे, बॉटम टू टॉप नहीं देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटीजर पार्ट के लिए आपके पास होता है रिपीटेड डिवीजन और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपके पास होता है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन बाय द बेस वैल्यू। ओके, नाउ अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। अब आपके पास एक नंबर है, ये फ्लोट नंबर है 4.8125 डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब जो इसका 4 है वो क्या है, इंटीजर पार्ट है, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट यूजिंग रिपीटेड डिवीजन। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, आप रिपीटेड डिवीजन की हेल्प से सॉल्व करोगे। और 8125 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से। फाइन, तो यहाँ पे देखो आपने 4 को सॉल्व किया यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन की हेल्प से। ओके, आपके पास यहाँ पे 2 2 4 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर 0 एंड 2 0 2 into 0 इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, इसके इसके इंटीजर पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब इसका डेसिमल पार्ट कैसे सॉल्व होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसके इंटीजर पार्ट को अलग हम रखते जाएंगे। 1 आ गया, अब 0.625 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपके पास फिर 1 आ गया, तो आपने इसको अलग रख दिया। फिर देन 0.250 को आपने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका 0.5 आ गया, तो आपने 0 को यहाँ रख दिया अलग। ठीक है, अब फिर 0.5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आपके पास 1 आ गया और आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया 0। अब फ्रैक्शन पार्ट 0 हो गया, तो हम इसको यहाँ तक ही करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका, अब यहाँ इसको आप लिखोगे कैसे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप ऐसे लिखोगे 1 1 0 1 लाइक दिस। ठीक है, 1 1 0 1, तो अगर इसका कंप्लीट आप देखोगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, तो क्या हुआ है आपका 4 का कन्वर्जन क्या आया था, 100 पॉइंट, और आपके उसके बाद क्या आया है, 1101। ओके, नाउ वी हैव कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। द इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट्स ऑफ द डेसिमल नंबर आर हैंडल्ड सेपरेटली फॉर फाइंडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्टल इक्विवेलेंट। राइट, तो अगर आपके पास सिंपली इंटीजर नंबर है, मान लो आपके पास 25 है जो एक इंटीजर नंबर है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे ऑक्टल में, आप इसको रिपीटेडली डिवाइड करोगे बाय द नंबर 8, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस वैल्यू है वो क्या है, 8 है। और आपके पास अगर फ्लोट नंबर है, मान लो मेरे पास नंबर है 25.2, राइट, तो जो इसका इंटीजर पार्ट है वो आप कन्वर्ट करोगे बाय यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन एंड आपका, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आप कन्वर्ट करोगे बाय यूजिंग द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। फाइन, तो यहाँ पे हम देखो स्टेप देखते हैं, स्टेप्स टू कन्वर्ट इंटीजर पार्ट। फर्स्ट डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 8 बिकॉज बेस वैल्यू ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। फाइन, तो यहाँ पे हम क्या करें, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेसिमल नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करेंगे बाय द बेस वैल्यू ऑफ द ऑक्टल नंबर, और बेस वैल्यू क्या है ऑक्टल नंबर की, 8। फाइन, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, राइट द क्वेश्चन ऑब्टेन इन स्टेप 1 बिलो द नंबर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, जब आप 266, यहाँ पे 266 है, फाइन, जैसे मैं एक बार डिवीजन करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे 266 है आपका नंबर, फाइन, आपने उसको 8 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपने लिया 33 लिया। ओके, 33 क्या है आपका, क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आएगा आपका 264 आएगा, जब आप 8 को 33 से मल्टीप्लाई करते हो तो 264 आएगा, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया 2। तो देखो जो क्वेश्चेंट वाला पार्ट है वो न्यू नंबर बन जाएगा, वो न्यू नंबर बन गया, और रिमाइंडर आप साइड में लिख दोगे, वो है हमारा 2। फाइन, ओके, अब हम क्या करेंगे, 8 को जो 33 आया है 8 उसको डिवाइड करेगा, राइट, तो यहाँ पे जो 33 आया है 33 को हम आप अगेन डिवाइड करोगे 8 से, राइट, आप 8 से डिवाइड करोगे, आपने 8 फोर ज़ा किया होता है 32, फाइन, 8 फोर ज़ा किया 32, तो आपका रिमाइंडर बन गया 1 आ गया। अब देखो, अब हमने क्या किया, 8 इंटू ज़ीरो क्या होता है 0, तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है,
यहाँ पे अगर आपने किया, ये जो आपका 4 आया है नंबर और आप इसको 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपने किया 8 0, तो यहाँ पे 0 आया और रिमाइंडर क्या बच गया आपका 4, राइट right? तो इस तरीके से आप कब तक डिवाइड करते रहोगे नंबर को, जब तक कि आपका क्वेश्चन क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, ठीक है। इट बिकम्स द न्यू नंबर, राइट द रिमाइंडर एट द राइट इन द कॉलम, हमने रिमाइंडर अलग लिख दिया है। रिपीट स्टेप 1 2 3 अंटिल 0 इज ऑब्टेन एज द न्यू नंबर, जब तक कि 0 जो आपका क्वेश्चन है वो 0 नहीं हो जाता, दैट इज द क्वेश्चन बिकम 0। राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। अब इसका देखो, जैसे यहाँ 266 है आपका डेसिमल नंबर है, ओके, यहाँ पे उसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा, यहाँ पे हम लेंगे जो रिमाइंडर आया है उसको हम किस फॉर्म में लेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो सबसे पहले आपका 4 आया है, देन 1 आया है, देन 2 आया है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, 4 1 2, राइट। नाउ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल, अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप्स टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ओके, तो आप डेसिमल नंबर जो आपका फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय 8। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास फ्रैक्शन है, मान लो हमारे पास डेसिमल नंबर है 0.3, इसको हम रिपीटेडली 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। द प्रोडक्ट हैज एन इंटीजर पार्ट एंड अ फ्रैक्शन पार्ट। जो इसका रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसमें एक इंटीजर पार्ट होता है, एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। इंटीजर पार्ट को आप अलग लिख दोगे और जो इसका फ्रैक्शन पार्ट आया है वो अगेन क्या बन जाएगा, न्यू नंबर, न्यू फ्रैक्शन नंबर बन जाएगा जिसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखो, राइट द इंटीजर पार्ट इन अ कॉलम, द फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स द न्यू फ्रैक्शन, ये आपका न्यू फ्रैक्शन बन गया, ओके। रिपीट स्टेप्स 1 2 3 अंटिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स 0। ये कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो जाता या फिर डिजायर्ड नंबर ऑफ ऑक्टल प्लेसेस आर ऑब्टेन, या फिर आपको जितने ऑक्टल प्लेसेस चाहिए, मतलब जितने आपको, मान लो 2 ऑक्टल प्लेसेस चाहिए, मतलब आपको डेसिमल के बाद जितने नंबर चाहिए उतने नहीं मिल जाते हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखो 0, ठीक हो, आपने पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, आपको 2.4 मिला, 2 क्या इंटीजर पार्ट, आपने अलग लिख दिया। अब आपके पास है 0.4, उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 3.2, आपने 3 को अलग लिख दिया इंटीजर पार्ट को, फिर आपके पास 0.2 फ्रैक्शन आ गया इंटू 8, अब आपके पास रिजल्ट आ गया 1.6, जिसमें से 1 आपने निकाल लिया इंटीजर पार्ट, ओके। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 बचा, लेकिन हमारे पास 3 प्लेसेस ऑक्टल नंबर आ चुका है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं इसको, फाइन। अब देखो यहाँ पे जो आपका ये था 0.3 डेसिमल नंबर, अब वो कन्वर्ट हो चुका है 0.231। अब जब आप फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करोगे इन ऑक्टल फॉर्म, आप कहाँ से कहाँ पे जाओगे, रिमाइंडर को, जो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज है, ओके। तो इंटीजर वैल्यूज को आप कहाँ से कहाँ पे शो करोगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम 231, यहाँ पे 132 नहीं होगा, यहाँ पे 231 होगा, ठीक है, 231। राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू फॉर्म द रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर, ओके। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल, कन्वर्ट डेसिमल नंबर, हमारे पास एक नंबर है 60.3 टू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, फाइन। तो यहाँ पे 60 क्या है, आपका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर पार्ट है, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट यूजिंग रिपीटेड डिवीजन, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिवीजन से, एंड 0.3 को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन से, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन से, ओके। तो यहाँ पे आपने 8 7 56 किया, 56 किया तो 60 माइनस 56, आपके पास 4 रिमाइंडर आ गया, 8 7 56, ठीक है। यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे आपका 60 है, ओके, आपने किया 8 7 56, 8 7 56, तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 4, राइट, आपके पास रिमाइंडर आ गया 4। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन अब एक नया नंबर बन गया है, ओके। एंड अब देखो हमने क्या किया, 8 इंटू 0 0 हुआ और रिमाइंडर अब आपका आ गया 7। अगर यहाँ पे हम करते हैं 7 को और 8, क्या करेंगे, 8 इंटू 0 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 7। तो आपके पास क्या आ गया, 2 रिमाइंडर्स आ गए, 7 एंड 4। तो हम कहाँ से कहाँ चलेंगे, हम बॉटम टू टॉप चलेंगे। तो जो 60 इंटीजर पार्ट था उसका जो ऑक्टल कन्वर्जन है वो क्या है, 7 4, राइट। अब इसका जो डेसिमल पार्ट है, मीन्स उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे 0.3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, इसके 2 पार्ट्स आए नंबर के, 2 एंड 4, 2 क्या है, इंटीजर पार्ट एंड 4 है फ्रैक्शनल पार्ट,
इंटीजर पार्ट को अलग रख देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब 3.2 आया तो 3 क्या इंटीजर, उसको अलग कर दिया, 0.2 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, अगेन हमने इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, हमारे पास 1.6 आ गया, 1 आपका इंटीजर पार्ट है। इस तरीके से आपने क्या किया, 3 प्लेसेस का ऑक्टल कन्वर्जन नंबर निकाल लिया है 0.3 का। फाइन, अब इसको ओवरऑल अगर इसका कन्वर्जन देखें तो 60.3 का आपने क्या किया, ऊपर से आपका ये आया 7474 एंड आपका यहाँ से 231, ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम 231। फाइन, नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को आप हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास इंटीजर नंबर है विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट तो आप कैसे करोगे उसे, कन्वर्ट बाय यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन मेथड। और यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, रिपीटेडली 16 से, क्योंकि 16 क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर की बेस वैल्यू है, राइट। तो देखो यहाँ पे हम, हमारे पास एक एग्जांपल है, आपके पास एक डेसिमल नंबर है 423, मैं करके दिखा देती हूँ एक बार, 423, ओके। आप इसको क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, तो आपने किया 16 into 26, तो आपके पास आ गया यहाँ पे 416, राइट, और रिमाइंडर आ गया आपके पास 7, रिमाइंडर 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका क्वेश्चन था 26, क्वेश्चन था आपका 26, ये आपका न्यू नंबर बन गया, आप 16 इसको डिवाइड करेगा, 16 बन जाए 16, रिमाइंडर आ गया आपका 10, ओके। नाउ आपके पास अब 1 आ गया है, 16 into 0 आपका हो गया 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। फाइन, तो हेक्साडेसिमल नंबर में कौन कौन से डिजिट होते हैं, 0 to 9 होता है आपका, ठीक है। एंड रेस्ट देखो यहाँ पे हम लेंगे 10 to 15, ओके। तो 10 टू 15 कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, 10 पहले इसको लिख लेते हैं, 10, 11, 12, ओके, 13, 14 एंड 15। 10 आपका हो गया ए, देन 11 बी, ए बी, 12 आपका हो गया सी, 13 हो गया आपका डी, 14 आपका हो गया ई एंड 15 हो गया आपका एफ, राइट। तो यहाँ पे हमारा 10 आया है, तो ये क्या कंसीडर होगा, अल्फाबेट ए, कैपिटल ए, राइट। अब जो आपका 423 डेसिमल नंबर था वो कन्वर्ट हो चुका है हेक्साडेसिमल में, आप उसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिमाइंडर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो 1A7, फाइन, रिपीट स्टेप 1, 2, 3 अंटिल 0 इज ऑप्टेन एज द न्यू नंबर, जब तक ही 0 नहीं आ जाता एज अ क्वेश्चन तब तक आप क्या करते रहोगे, रिपीटेड डिवीजन करते रहोगे, फाइन। राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर बॉटम टू टॉप इन विच दे आर कंप्यूटेड। और रिमाइंडर जो आपका अब कन्वर्जन करके हेक्साडेसिमल नंबर आया है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिमाइंडर्स, और आप रिमाइंडर्स कैसे लिखोगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके। अगर आपको कन्वर्जन करना है फ्रैक्शनल पार्ट को या किसी भी फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में, ठीक है, तो अगर आपके पास फ्रैक्शनल मींस फ्लोट या डबल डेसिमल नंबर है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है 0.225, राइट, हम इसे रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे बाय 16, ये 16 क्या है, हेक्साडेसिमल का बेस नंबर है, फाइन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम 0.225 को 16 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो मेरा प्रोडक्ट आया है, रिजल्ट आया है, उसमें एक इंटीजर पार्ट है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर पार्ट को मैं अलग कर दूंगी और फ्रैक्शनल पार्ट अगेन मेरा न्यू फ्रैक्शनल नंबर बन जाएगा, जिसको मैं अगेन 16 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मेरे पास 9 आ गया एज अ इंटीजर पार्ट, ओके, पॉइंट आपका जो आया 6.600, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये अगेन आपका एक फ्रैक्शनल नंबर बन गया, आपने इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, अगेन आपके पास 9 आ गया। तो मुझे 3 प्लेसेस तक ही हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए, हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए डेसिमल नंबर का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखो जो आपके पास ये डेसिमल नंबर था 0.225 वो कन्वर्ट हो चुका है हेक्साडेसिमल में, और वो क्या है 0.399, फाइन। तो ये प्रोसेस देखो, सेम प्रोसेस हमने अप्लाई किया था बाइनरी कन्वर्जन में, सेम प्रोसेस हमने किया था ऑक्टल कन्वर्जन में, सेम हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे जब लिखोगे इसको तो कैसे लिखोगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट, इंटीजर जो आए हैं आपके बाहर वो टॉप टू बॉटम आप उसको लिखोगे, फाइन, ओके। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, फाइन। तो हमारे पास एक नंबर है 225.225, इसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल नंबर है, तो जो इसका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है उसको रिपीटेड डिवीजन से आप कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट है उसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से, फाइन।
तो 225 आपके पास है यहाँ पर, आपको 16 से इसको डिवाइड करना है। तो एक एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ, 225 16 से आप करोगे 14 करोगे, राइट। ये आपका हो गया 224, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चेंट है और ये आपका रिमाइंडर आ गया 1। अब आपने क्या किया, 16 × 0 आपका क्या हो गया 0 और रिमाइंडर आ गया आपका 14, राइट। और 14 एज अ कंसीडर होगा ई, कैपिटल ई, राइट। तो आपका जो ये नंबर था उसमें जो इंटीजर पार्ट था 225, उसका जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आया वो क्या आया है, E1, ओके E1। क्योंकि 14 को आपने 14 को आप कैसे लेंगे, एज ई, कैपिटल ई और 1, राइट। नाउ अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट आप करेंगे 0.225, फ्रैक्शनल पार्ट को आप रिपीटेडली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 16 से। तो आपने फर्स्ट इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 3.600 आ गया, ठीक है। 3 आपका इंटीजर नंबर है, आपने इसको बाहर कर दिया, ओके। अगेन आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो आ गया 0.660, उसको 16 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 9.600 आ गया। 9 को आपने बाहर कर दिया है बिकॉज ये क्या है, इंटीजर पार्ट है, ओके। और यही आपका रिजल्ट है जो इंटीजर पार्ट है, फाइन। अगेन आपने फ्रैक्शनल पार्ट को 16 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो चुका है डेसिमल नंबर का, ओके, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर का, फाइन। और अब इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। तो ये हमारे पास 0.225 जो डेसिमल नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट, उसका जो कन्वर्जन आया वो आया 0.399। अब इसको ओवरऑल कंक्लूड करके देखेंगे तो आपका आ गया, जो आपका नंबर है 225.225 का आया E1.399, ओके। तो ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।